राठ रोडवेज में अज्ञात शव मिलने से लोगों में भय। मामला जनपद हमीरपुर के राठ कोतवाली का है, जहां पर कोतवाली से ही सटे राठ रोडवेज में एक अज्ञात शव उस समय देखा गया जब लोग सुबह सैर करने के लिए निकले। लोगों ने जैसे ही शव को देखा तो राठ कोतवाली में इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए राठ स्वास्थ्य केंद्र में रखवा दिया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी भीड़ वाले इलाके में, जहां पर रात दिन बसों का आवागमन रहता है और दुकानें भी खुली रहती हैं, वहां पर यह अज्ञात शव रात भर कैसे पड़ा रहा। हमीरपुर से आंचलिक खबरें के लिए हरीश चंद्र राजपूत की रिपोर्ट। हमारा और आपका अपना आंचलिक खबरें यूट्यूब चैनल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र अग्रवाल है। सर, ये जो घटना हो गई है कितने समय की घटना है, क्या हो गया यहाँ? ये तो सर ऐसा है कि हम अपने बच्चों को छोड़ने के लिए कानपुर के लिए आए थे, एसी गाड़ी बैठाने के लिए। तो हमारे मित्र राकेश अग्रवाल उनकी दुकान पे लाया मिलने के लिए। उनके बच्चे ने बताया कि यहाँ पे कोई एक डेड बॉडी डली हुई है। तो जानकारी हुई तो मैंने देखा कि मैंने कहा यार कोई डला हुआ है यहाँ पर और मौसम से खून वगैरह निकल रहा है। उसके बाद क्या नाम, फिर हमने फ़ोन लगाया आपको तो आपकी इनकमिंग की सुविधा नहीं थी। मैंने कहा थोड़ा जानकारी तो दे दी जाए आप लोगों को। तो इस वजह से बस फिर आपसे मुलाकात हो गई है और इसी का